उधर बिहार में इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 48 हो गया, जिससे जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। हालांकि इससे पहले सरकार ने इस बीमारी से एक भी मौत नहीं होने का दावा किया था, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट में इस बीमारी से बच्चों की मौत होने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, हालात अभी भी नाजुक है और अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने दावा किया कि गर्मी की वजह से हालात और खराब हो सकते हैं। अधिक गर्मी पड़ रही है, हो सकती है स्थिति और खराब ही होगी। जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक के लिए स्थिति बहुत गंभीर बनी रहेगी। मैनेजमेंट तो हम लोग पूरी चल रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ टोटल ड्यूटी पर लगे हुए हैं, 8 घंटा का रोस्टर शिफ्ट लगी हुई है, दवाई भी की कोई कमी नहीं है, हम लोग पूरी तरह से बच्चे का देखभाल कर रहे हैं। वही अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इंसेफेलाइटिस से हुई मौतों का ठीकरा लोकसभा चुनावों पर फोड़ा तो जेडीयू और कांग्रेस ने अश्विनी चौबे को उनके बयान पर घेरा। स्वाभाविक है, कुछ मृत्यु हुई है, पिछले बार से थोड़ा बड़ा है जागरूकता, तो चुनाव का कालखंड हुआ तो पदाधिकारी अधिकांश चुनाव में लगे रहे और काम भी हुआ जागरूकता के काम को फिर से बिहार सरकार ने उसको बढ़ाने का काम किया। चौबे जी केंद्र में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये और भी शर्म की बात है हमारे लिए कि भारतीय जनता पार्टी का हेल्थ मिनिस्टर भी मंगल पांडे हैं, जो इतने मजबूती से लगे हुए इसको रोकथाम के लिए। कैसे लोग हैं जो मंत्री पद पर बैठे हैं? मैं समझता हूं कि अगर आप जान बचा नहीं सकते हैं सरकार में रहते हुए तो कम से कम उसके मौत को मजाक तो मत बनाएं। और जब बीजेपी के नेताओं का ये बयान, जो पर्यटन मंत्री है उसने भी इसी में खराब बयान दिया है कि मौत होते ही रहता है, क्या मतलब इस तरह का बयान देने का? मैं समझता हूं नीतीश जी को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल के सियांग में देखे जाने के बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। वायुसेना के बचाव अभियान में MI-17 और सेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को लगाया गया और मलबे को कल वायुसेना के विमानों ने देखा था। हादसे वाला इलाका काफी ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच है, ऐसे में विमान के मलबे तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती।